क्या किसी ने आपको बुली किया है, परेशान किया है, आपके ऊपर अत्याचार किया है? गाइस आजकल ये मुद्दा बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बच्चों पर अत्याचार करना, अपने से छोटों पे अत्याचार करना, उनको बुली करना, उनको तंग करना। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के ऊपर पूरा विस्तार में हमारी इस न्यूज सीरीज में। अरे आ गए मेरे बच्चे ट्यूशन से। रहते हैं शिनाया ये करो वो करो ऐसे चलो वैसे चलो, मैं क्या करूं? मम्मा पापा को मैं कैसे बताऊं कि ये सब मुझे बुली करते हैं, और वैसे भी मम्मा पापा तो ये समझेंगे भी नहीं। शिनाया आजा बेटा खाना रेडी है। खाना ला रही हूँ, रुको। शनाया तूने इतना मुंह लटका के क्यों रखा हुआ है? कुछ नहीं। अरे शनाया बेटा सुन तो सही, खाना तो खाकर जाना। मम्मा मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं? ये क्या हो गया शनाया को, ये आजकल इतनी गुमसुम सी क्यों रहती है, ना कुछ खाती है ना किसी चीज पे ध्यान देती है। लगता है पढ़ाई का प्रेशर होगा। हो सकता है। मैं खाना लाती हूँ। लूसी Later. क्या हुआ शनाया, तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वो ना मेरे को आपसे एक सीक्रेट शेयर करना है। बताओ क्या है सीक्रेट? वो आपके जो क्लासमेट्स हैं ना। कौन से वाले क्लासमेट्स? अजय भैया, पायल दीदी, तन्वी दीदी। हाँ तो वो लोग ना मुझे ट्यूशन में परेशान करते हैं, बुली करते हैं। बुली करते हैं? ऐसा क्या करते हैं? वो ना रोज मुझे कहते हैं कि मम्मी मैम और सर बोल, रोज मेरा होमवर्क चेक करते हैं। बस इतनी सी बात? शनाया इतनी छोटी सी बात में रोने का क्या फायदा, ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। पर दीदी आप उन्हें बोलो ना मुझे ऐसे ना करे। अच्छा अगर तू कह रही है मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगी। The next morning. हाँ जी मम्मा, आज के ट्यूशन के टेस्ट में मेरे 20 में से 18 आए थे। अरे वाह गुड जॉब नान्या। और आपकी शनाया? मम्मा शनाया ने तो टेस्ट ही नहीं दिया और कहा कि उसकी तैयारी आई थी। क्यों शनाया बेटा, आपको तैयारी करके जाना चाहिए था ना। चलो ठीक है हो गई, अब मैं भी अपना बैग रख के आती हूँ। हाँ दीदी मैंने आपको कहा था ना अपने क्लासमेट से बात करो, मगर आज तो आप उनका साथ ही देने लग गए थे। शनाया वो तो बस मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी जोर से कर लिया।
Later. मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। शनाया, अच्छा ये होमवर्क करने में हेल्प कर दूं? नहीं नहीं। अरे लाना। इसने क्या लिखा है? ये गलत है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। यार क्या कर रहे हो? मेरी नोटबुक पे क्रॉसेस क्यों मार रहे हो? पायल ने क्या कहा था? अपने सीनियर्स को मैम सर बोल के बुलाओ, भैया दीदी नहीं, और रिस्पेक्ट से बात करो। आई समझ? पहले दीदी की क्लासमेट्स और अब दीदी भी। वैसे अपने से छोटी एज के बच्चों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। Later that same evening. अरे अनान्या बेटा, शनाया, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुमको ट्यूशन पे छोड़ आता हूँ। पापा मैं रेडी हूँ। वेरी गुड। शनाया आप भी रेडी हो जाओ। पापा मेरे ना बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, आज का मैं ट्यूशन से ब्रेक ले लूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट जाओ, लेट जाओ। अच्छा आ जाओ अनान्या, तुम चलते। The next day. इससे पहले कि मम्मा कुछ कहें, मैं पहले ही ट्यूशन ना जाने का बहाना मार देती हूँ। मामा? हाँ जी बेटा। मामा आज ना मेरी ट्यूशन से छुट्टी है। छुट्टी है? क्यों बेटा? वो ना मैम ने सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चों को बुलाया है। ओहो ठीक है बेटा। मैं अगर ऐसे ही रोज ट्यूशन ना जाने के बहाने मारती रहूंगी तो मुझे ट्यूशन जाना ही नहीं पड़ेगा। Later. तो बोल फिर, बता दूं मम्मा पापा को कि तू इतने दिनों से ट्यूशन से झूठ बोलकर छुट्टी ले रही है? नहीं दीदी, मम्मा पापा को मत बताना प्लीज दीदी। ठीक है, पर एक शर्त पर। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। सुन ले, पहले सुन तो ले। तुझे पूरे आज के दिन मेरे पीछे पीछे चलना होगा और सारी की सारी मेरी बातें माननी पड़ेंगी, मेरे सामने आंखें नीचे। और हाँ याद रखियो, मैं अनान्या दीदी नहीं, अनान्या मैडम हूँ। ठीक है अनान्या दीदी, सॉरी मैडम। ओके देन, फॉलो मी। मेरे लिए पानी लाओ। ओके मैडम। मैम पानी। मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मेरे को पानी नहीं पीना, इसको वापस ले जाओ। ओके मैम। Later. Hello, मैं शिनाया की ट्यूशन टीचर बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। शिनाया इतने दिनों से ट्यूशन क्लास क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है क्या? इसका मतलब है शिनाया इतने दिनों से झूठ बोल रही है, पर क्यों? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। काले और गोरे में भेदभाव सीजन 3 पार्ट 6 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमणीक सिंह 1313 पे। तो क्या फैसला किया आपने? वीडियो देखने के लिए क्लिक किया।